तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म अपलोड और तो पेमेंट की अपडेट के साथ है। क्योंकि तो बहुत ही तो लंबा समय हो चुका है, तो अभी तक किसी का भी तो पेमेंट नहीं आया। आप सभी को इंतज़ार था कि तो पेमेंट तो कब तक आ गया। फाइनली आपको मैं बहुत ही बड़ी अपडेट बताना है। इसके साथ ही फॉर्म अपलोड को लेकर जो भी तो नई अपडेट है उनसे बारे में इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल साथ जानकारी बताई जाएगी। तो वीडियो को आके तक तो पूरा जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। सबसे पहले हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म अपलोड के बारे में, क्योंकि दोस्तों वो कल 31 तारीख है, तो कल हो गया आपका रविवार, और तो कल तो फॉर्म अपलोड होना तो असंभव है, क्योंकि तो रविवार को रोजगार तो कार्यालय का होता है अवकाश। अब बात करेंगे जो कि आज शनिवार हो गया और ये 30 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक फॉर्म अप्रूव तो नहीं हुए। अब दोस्तों हमें तो रुकना नहीं होगा। आपको जो भी आपका तो डिस्ट्रिक्ट रोजगार तो कार्यालय पर है वहाँ पर तो 1811 पर शिकायत तो करनी होगी। अगर आप शिकायत तो नहीं करोगे तो आपका तो पेमेंट भी अटका रहेगा और आपके फॉर्म अप्रूव भी अटके रहेंगे। तो इसीलिए कल या परसों मैं तो एक तो मुई में सीट जाऊँ, जिसके अंदर रोजगार तो कार्य वालों को एक तो नोटिस भेजा जाएगा, जिसके अंदर हम सब की तो मांग तो रखी जाएगी, क्योंकि हमारा तो 3 महीने का तो पेमेंट अटका हुआ। इसीलिए तो कल या परसों मैं लाइव आऊँगा और उस समय आप सभी को तो लाइव आना है। उसके अंदर तो बड़ा मैं फैसला लूँगा, जिसके अंदर आप सभी की तो मांगों को मैं उठाऊँगा, और इसके तहत ही तो रोजगार तो कार्य वालों को एक तो परिपत्र तो नोटिस तो भेजा जाएगा। क्योंकि अगर रोजगार कार्य वालों को तो परिपत्र तो नोटिस नहीं भेजा जाएगा तो वे हमारे ना तो पेमेंट डाल दे और ना ही तो फॉर्म अपलोड करें। क्योंकि नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया और ये जनवरी भी ऐसा लगा, लेकिन अभी तक ना तो किसी का पेमेंट आया और ना ही किसी का फॉर्म अप्रूव हुआ। तो इसीलिए आप इस वीडियो को वो जितना हो सके वो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके ये शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके आप तो अपना तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि मैं देख लो तो 1 फरवरी को तो बजट आ रहा है, आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को बजट आ रहा है। 1 फरवरी के बाद मैं 2 फरवरी को आऊँगा लाइव। अगर 1 फरवरी को पेमेंट और फॉर्म अप्रूव हो गए तो मैं लाइव नहीं आऊँगा। अगर 1 फरवरी को हमारा पेमेंट और फॉर्म अप्रूव अगर नहीं हुए तो मैं 2 फरवरी को लाइव आऊँगा। उसके अंदर आप सभी को आना होगा लाइव। अगर आप सभी तो लाइव आएंगे और आपका जितना सपोर्ट होगा उसी सपोर्ट के आधार पर मैं रोजगार कार्य वालों को एक परिपत्र तो नोटिस भेजूँगा। अगर आपका ये सपोर्ट अगर वो नहीं रहा तो मैं नोटिस मैं नहीं भेजूँगा, क्योंकि तो मेरे एक को ये कुछ नहीं करना है। अगर आपका ये सहयोग तो रहेगा तो भी मैं आगे बढ़ूँगा। इसीलिए आप इस वीडियो को वो जितना हो सके वो लाइक करना। आपके इस वीडियो पर मैं जितने वो ज़्यादा संख्या के अंदर वो लाइक आएंगे उसी आधार पर मैं अगला कदम उठाऊँगा। अगर इस वीडियो का मेरा तो लाइक तो टारगेट है 500, अगर इस वीडियो पर 500 तो लाइक आ गए तो मैं दोस्तों आपका 100% 2 तारीख आप तो मान के चलिए 2 तारीख आप कर दीजिए नोट। 2 तारीख को मैं डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय पर एक तो नोटिस भेजो, जिसके अंदर सभी तो डिस्ट्रिक्ट के मेरे वो जितने भी तो व्यूवर है उन सभी के जो भी तो प्रॉब्लम आ रही है उन सभी तो प्रॉब्लम की तो मांग उठाऊंगा। अगर आपका ये सपोर्ट रहा तो तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। इसलिए आप जितना हो सके तो एक कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरा तो व्यूअर वीडियो देख रहा है उन सभी को ये कमेंट तो करना होगा कि सर आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अगर आपका तो कमेंट आया और आपके जितने तो लाइक आएंगे उसी से मेरे तो उसी से मैं भी तो मोटिवेट हो सकूँगा। तो इसीलिए आपका वो जितना वो सहयोग रहेगा उसी के आधार पर मैं आगे बढ़ूँगा। तो आप भी इसे वीडियो को तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और आप भी हमें तो कमेंट बॉक्स के अंदर ये कमेंट करके ये बता दीजिए कि सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं 2 फरवरी को। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।